हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सिंगल चैनल को डुअल चैनल बना सकते हैं। जैसा कि मेरे सामने आप ये सर्किट देख रहे हैं, ये 4440 सिंगल चैनल का है, जो कि ये ब्रिज मोड पे ये काम करता है। मैंने इसके पिछले वीडियो में इसका सर्किट बनाया था और उस वीडियो में सिर्फ ये सिंगल चैनल ये काम करता है। हालांकि ये डबल चैनल का होता है, लेकिन मैं ये ज़्यादातर ब्रिज मोड पे इसको सर्किट में यूज किया जाता है। तो मैंने इसको पहले ब्रिज मोड पे चलाया सिंगल चैनल करके। आज मैं इस वीडियो में आपको इस सिंगल चैनल को डुअल चैनल कैसे बनाते हैं, सो आज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4440 सिंगल चैनल का ये सर्किट है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो मेरे कम्युनिटी टैब में अवेलेबल है दोस्तों, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला वायर यहाँ पे कनेक्शन होगा इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों, इसमें सिर्फ कनेक्शन बढ़ जाएगा, ये दो कैपेसिटर बढ़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका वैल्यू 1000 UF 25 वोल्ट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने ये 3 पिन वाला वॉल्यूम यूज किया था, अब हम इसमें 6 पिन वाला यूज करेंगे, जिसका वैल्यू 100K का है। तो डबल चैनल में ये 6 पिन का यूज होता है दोस्तों, और ये सिंगल चैनल में 3 पिन वाला यूज होता है, ठीक है। तो इसका हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ऊपर की ओर, यहाँ पे सबसे पहले 6 नंबर पिन, 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर वाला ये 6 नंबर पिन को हमें इस ग्राउंड से हटा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको हटा लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 6 नंबर पिन को यहाँ से ग्राउंड से रिमूव कर दिया, यहाँ से देख सकते हैं इसको मैंने हटा लिया वहाँ से। अब ये है हमारा, ये मेरा इनपुट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि 2 नंबर पिन में ये मेरा ऑडियो इनपुट है, ठीक है। उसी तरह से एक 100K का रेजिस्टेंस लेके हम इसमें एक कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 100K का रेजिस्टेंस उसी पिन में जो कि मैंने ग्राउंड से यहाँ से रिमूव किया था, हटाया था, वो यहाँ पे 100K का एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट राइट चैनल इनपुट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि ये जो, ये तो हमारा लेफ्ट राइट इनपुट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो स्पीकर का कनेक्शन होगा दोस्तों, हमारा स्पीकर का कनेक्शन, उस दोनों में हम जो हमारा ग्राउंड है उसमें हम यहाँ पे स्पीकर का ये 3 नंबर में और 5 नंबर में हमारा स्पीकर आउटपुट होता है, तो उसमें हम कनेक्शन कर लेंगे। ये जो कैपेसिटर का जो प्लस वाला दिख रहा है दोस्तों, प्लस वाला, वो हम इस माइनस वाले में कनेक्शन कर देंगे। और फिर ठीक उसी तरह से हम और कैपेसिटर का प्लस वाले को हम 3 नंबर पिन के माइनस वाले में कनेक्शन कर देंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑडियो आउटपुट जो होगा, जो कि सिंगल चैनल में, यहाँ पे 3 नंबर पिन में कैपेसिटर के माइनस में और 5 नंबर के कैपेसिटर में हमारा ऑडियो आउटपुट कनेक्शन होता है, ठीक उसी हम पिन में कैपेसिटर का प्लस वाला हम इसमें जोड़ देंगे और सेम कनेक्शन होगा जैसे 3 नंबर पिन में है और 5 नंबर में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा लेफ्ट राइट चैनल का ये हमारा स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे होगा, और एक ग्राउंड से ले लेंगे, एक ग्राउंड से और एक यहाँ लेफ्ट, और यहाँ से ग्राउंड और एक राइट, जैसा कि मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे इसका कनेक्शन होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस वॉल्यूम का कनेक्शन कुछ इस तरह से, इस तरीका से होगा दोस्तों। ये मेरा ऑडियो जैक है, यहाँ पे मेरा लेफ्ट राइट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा लेफ्ट राइट है और ये हमारा ग्राउंड है। तो इसको हम कुछ इस तरीका से कनेक्शन करेंगे कि हम, अगर वॉल्यूम को हम इस तरीका से रखते हैं, तो ये दोनों पिन को हम एक साथ शॉर्ट कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं एक साथ हम, ये हमारा ग्राउंड हो गया और लेफ्ट राइट हम इनपुट इस बाएं वाले दोनों पोन में लेफ्ट राइट देंगे, और बीच वाला हमारा जो कि आउटपुट होगा लेफ्ट राइट, जो कि हम इस रेजिस्टेंस के दोनों लेफ्ट राइट में देंगे, और एक ग्राउंड वाला वायर हम इसमें देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे हम सोल्डिंग इसको कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा
ऑडियो इनपुट का लेफ्ट राइट है, जो कि हम इस कार्ड से या मॉड्यूल से आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा ऑडियो इनपुट हो गया, और बीच वाला हमारा ऑडियो आउटपुट हो गया, और ग्राउंड हो गया जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और ये हमारा ग्राउंड ऑडियो इनपुट। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपली उस रेजिस्टेंस वाले में हम लेफ्ट राइट इनपुट कर देंगे, जो कि हमारा वॉल्यूम के बीच वाले से आया हुआ है, वो हमारा लेफ्ट राइट होगा जाएगा इनपुट। और यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड वाला वायर है, जो कि इस 680 वाले रेजिस्टेंस ओम में आएगा। 680 ओम इसका वैल्यू है, जो कि हम यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे, इसमें ग्राउंड होगा, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये 12 वोल्ट का और 2 एम्पियर का है, तो इसका कनेक्शन हम यहाँ सिंपली ये जो 4700 UF और 25 वोल्ट आपको दिख रहा है कैपेसिटर, उसमें कनेक्शन करेंगे। ये हमारा सप्लाई का हो गया, पावर सप्लाई का। अब हम इसमें स्पीकर का कनेक्शन करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा स्पीकर है दोनों 3 इंच का। दोस्तों इस दोनों का हम इस स्पीकर का यहाँ पे मैं साइड कर लेता हूँ इसको, इस दोनों का वायर दोस्तों हम जो ग्राउंड होगा माइनस वाला उसको हम एक साथ जोड़ लेंगे, और इसको हम यहाँ पे माइनस वाला में कनेक्शन कर देंगे, जो कि हमारा ये ग्राउंड होता है। और यहाँ पे हम लेफ्ट राइट स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे कर लेंगे दोनों स्पीकर का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है, हम स्पीकर के हम दोनों साइड में रख लेंगे। और दोस्तों हम इसको हम इस आईसी को हम हीट सिंक में टाइट कर लेंगे, मतलब इसमें कस लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये आईसी गर्म होगा तो वो ख़राब नहीं होगा, मतलब उड़ेगा नहीं, नहीं तो ऐसे में ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको इसमें टाइट कर लेते हैं। ध्यान है दोस्तों कि अगर आप हीट सिंक पे लगाते हैं आईसी को, तो ये इसमें कोई भी पिन इसमें टच ना हो इस हीट सिंक में। चलिए हम स्पीकर को एक साइड रख लेते हैं दोनों साइड, और इसको बीच में कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा पावर सप्लाई है, और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम है। आपको सही से नहीं दिख पा रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश किए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अब इसमें पावर सप्लाई देते हैं, और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम है, यहाँ पे हम वॉल्यूम है। अब हम इसमें पावर सप्लाई देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट राइट में ये एम्पलीफायर करता है या नहीं। तो दोस्तों मैंने इस एम्पलीफायर में सप्लाई पावर सप्लाई डीसी 12 वोल्ट यहाँ पे मैंने दे दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में दोनों में एम्पलीफायर कर रहा है, और यहाँ थोड़ा भी हमिंग का प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और यहाँ पे मेरा ये ऑक्स केबल है, अब हम इसको आप या मोबाइल से चला सकते हैं, या किसी मॉड्यूल से जो ऑडियो रिसीवर होगा उसे चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम वॉल्यूम को ऑन करते हैं, और देखते हैं कि हमारा ये कैसा काम करता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका से ये दोनों वर्क कर रहा है, आप इस पे चेंज का भी स्पीकर यूज करते कर सकते हैं दोनों पे। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।